आपको इसकी आवाज सुना देता हूँ, तो स्टार्ट करिए सेल्फ से। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही डिफरेंट चीज, जो कि है हमारी सुपर स्प्लेंडर बाइक। आप देख पा रहे होंगे तो ये है 2023 वाला मॉडल, एकदम लेटेस्ट न्यू मॉडल है। देख लीजिए इसका मीटर वीटर कुछ इस टाइप से मिलता है। देखिए पूरा डिजिटल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सुई वाला दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्यूल मीटर इस टाइप से दिया हुआ है। टाइम भी बताता है, कितने की गाड़ी चल चुकी है भी बताता है। देखिए पूरी गाड़ी कुछ इस टाइप से दिख रही है। ये इसकी हेडलाइट देखिए, थोड़ा पुराने वाले मॉडल्स चेंज कर दी गई है। यहाँ पे हीरो का लोगो आ जाता है हमारा। ये देखिए यहाँ पे इसका ब्रेक देख लीजिए, ये दोनों साइड में लगने वाला है, मतलब कि अगर आप अगला यहाँ से लगाएंगे यहाँ से तो पिछला भी दब जाता है थोड़ा बहुत। वैसे ये चीज़ मुझे नहीं लग रहा काम की होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये बस केवल ये अगर ये दबाते हैं तो यही वाली काम करती है, बाकी कोई भी डिस्क ब्रेक वगैरह भी इसमें नहीं आई है। ये देख लीजिए इसका इंजन देख लीजिए, मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। ये खड़े इंजन में आती है, ये देखिए यहाँ पे इसका प्लग दिया हुआ है। ये खड़े इंजन वाली बाइक है, पहले की सुपर जो आती थी वो ऐसे होती थी, जो 16-17 मॉडल है उसका इंजन थोड़ा मेढ़ा होता था, लेकिन इसकी उससे आवाज़ काफ़ी अच्छी है, भागने में भी अच्छी है, उससे आवाज़ भी इसकी बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन तो पहले की जो बाइक आती थी और ये बाइक, काफ़ी इसमें डिफरेंस आ चुका है, इसके इंजन की आवाज़ में भी और इसके डिज़ाइन में भी देख सकते हैं। टंकी का डिज़ाइन भी चेंज है और मीटर क्लस्टर जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तो पूरा का पूरा चेंज ही हो चुका है, ये पूरा इलेक्ट्रिक हो चुका है। और इसमें एक नई चीज़ एकदम ही नई चीज़ मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ ऐड हुई है तो ये देख लीजिएगा। इस यहाँ पे भी मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे आप एक USB चार्जर लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप फ़ोन चार्ज करते हैं और ये वर्क भी करता है। मैंने इसको चेक भी किया, अभी यहाँ पे डाटा केबल नहीं है, नहीं तो मैं इसको चेक भी करवाता था। ये है इस गाड़ी के ऑनर, ये चीज़ काम करती है। फ़ोन आपने चार्ज किया इससे? हाँ मैंने चार्ज किया। हाँ तो ये यहाँ से फ़ोन भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर ये वर्किंग है चीज़। और कितना फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी वाली चीज़ है तो इमरजेंसी में काम है आ जाएगी। ठीक है गाइस, बाकी देख लीजिए पूरी बाइक का इंटरफेस कुछ इस टाइप से। आपको मैं इसके इंजन की आवाज़ सुनाऊँ अगर, जो तो काफ़ी बेहतरीन है, एकदम कूल कूल साउंड है इसके। एक बार स्टार्ट करके सुना दीजिए, इसकी इंजन की आवाज़ आपको सुना देता हूँ। तो सेल्फ लगाइए सबसे पहले, बस देखिए विदाउट एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर देख लीजिए आप, बिल्कुल भी नहीं ले रखा है इन्होंने। देखिए आवाज़ कितनी इसकी अच्छी है, एकदम साइलेंट एकदम इंजन है, समझ रहे हैं साइलेंट। अगर मैं आपको एक्सीलेटर थोड़ा लेकर के दिखाऊं तो थोड़ा एक्सीलेटर लो, देखिए मेरा साइलेंसर है इसका, देखिए एकदम आवाज़ साइलेंट है इसकी। भागने में भी काफ़ी अच्छी है बाइक है, बंद कर दो इसको अब। भागने में भी पिकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका पिकअप, और सारी चीज़ें इसकी बहुत ही अच्छी हैं मतलब, और चलने में भी काफ़ी अच्छी है। अभी ये देख लीजिए आपको मैं दिखाऊंगा, 1000 कुछ चल चुकी है बाइक, देख लीजिए इसका मीटर कुछ इस टाइप से आता है, लिखी इसमें 1055 चल चुकी है। तो काफ़ी डिफरेंट बाइक है पहले की बाइकों से, मतलब जो पहले आती थी वो उसमें एकदम सिंपल सा ये मीटर था। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल का बाकी सब एक्टिविटी जहाँ जो है इसकी वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसका क्लस्टर कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी अच्छी है। तो अब बात करते लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको बाइक तो दिखाई दिया, तो ये इस बाइक के ऑनर, तो बताइए आपको ये बाइक कितने की पड़ी थी? हमें मेरे से 97,000 रुपये की मिली थी। 97,000 रुपये की सुपर स्प्लेंडर बाइक ली, तो आपने सुपर स्प्लेंडर ही क्यों ली, आपने कोई और बाइक क्यों नहीं ली, ये बताएंगे थोड़ा सा? हमें यही पसंद थी, मैंने यही ले ली थी। अच्छा, आपने बाकी कोई और नहीं देखी जिसे इसकी प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी अच्छी बाइकें आती हैं? नहीं देखी तो बहुत ही, मगर मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं ली। अच्छा, ये रफ एंड टफ थोड़ी आ जाती है गाइस, मैं आपको बता दूं, हवाबाजी में मतलब मजबूती भी है इसमें, स्प्लेंडर वगैरह हीरो का है। आपने होंडा होंडा नहीं देखी, होंडा की बाइक वाइक? नहीं हमारे पास एक है, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं, मैं वो नहीं चलाता हूं। अच्छा, ये उनके पास दूसरी बाइक। सोचना कि मैं कोई नया सी यूज करें, कोई अच्छी सी यूज करें, कोई नई चीज इनको चाहिए थी, इनके घर में ऑलरेडी एक बाइक है, उसके बाद ये वो मतलब जो दूसरी बाइक है उससे यूज़ में लेते हैं काम में, ये केवल इन्होंने चलने के लिए लिया है। तो चलने के लिए बजट में मतलब अच्छी बाइक है, एवरेज वगैरह ये एवरेज कितने का दे देती है माइलेज? एवरेज ये 40-45 निकलती। कितना दे देती है? 40-45 निकालती है। 40-45 का एवरेज दे देती है, तो अच्छी बात है। अगर तेल कहाँ से डलवाते हो, टंकी से या फिर लोकल एरिया से भी डलवा लेते हो? नहीं टंकी से।
अच्छा, टंकी से तेल डलवाने पे ये दे देती है, अगर प्यार से चलाएंगे तो 40-45 दे देती है। अभी इसकी कितनी सर्विस करवा चुके हो? मैंने एक सर्विस कराई अभी। सर्विस का कॉस्ट कितने आई है, मतलब सर्विस कितने में हो जाती है? सर्विस मेरे 750 में हुई है। 750 में एजेंसी से करवाई ना? हाँ एजेंसी से। कहाँ की एजेंसी थी? महमूदाबाद। अच्छा, जहाँ से बाइक ली थी वहीं से या फिर? नहीं, जहाँ से मैंने ली थी वहीं, जो है वहीं से। ये ज्ञान ऑटोमोबाइल्स, यहाँ से इन्होंने बाइक परचेज की है। काफ़ी अच्छी बाइक है, चलने में भी। किसी दिन मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा, जो 16-17 मॉडल वाली बाइक होती है उसका और इसका। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।